एलएसी पर चीन की हरकत अब दुनिया के सामने आ गई है। भारत के क्षेत्र पर चीन अधिकार जमाकर अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। ये बात दुनिया क्या खुद चीन भी जानता है कि अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो भारत युद्ध छेड़ देगा। इसलिए जब तक चीन सिर्फ चालाकी दिखा रहा है तब तक भारत उसे समझाने की कोशिश करेगा। इसलिए अब चीन को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की इस नसीहत की गांठ बांध लेनी चाहिए जो उसके बहुत काम आ सकती है। दरअसल भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर चिंता जताते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने चीन को एक कड़ी हिदायत दी। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूद स्थिति से किसी देश को कोई लाभ नहीं मिला है। जयशंकर ने एक पैनल को संबोधित करते हुए एलएसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि एलएसी पर जो स्थिति है उसे अब तक के हालातों को देखते हुए दोनों देशों में से किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे लगता है कि ये हमारे साझा हितों में है कि हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेनाओं की अधिक तैनाती नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारे साझा हितों में है कि हमें उन एग्रीमेंट्स का पालन करना चाहिए जिस पर हमने हस्ताक्षर किए हैं। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन के हित में भी है। बीते 4 सालों में दोनों देशों के बीच के तनाव से किसी का भी फायदा नहीं हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत हमेशा से सीमा विवाद के निष्पक्ष और तर्कसंगत समाधान को लेकर प्रतिबद्ध है और एलएसी को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि हम इस विवाद को जितना जल्दी सुलझा लेंगे दोनों के लिए उतना अच्छा है। बता दें जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प के बाद से भारत चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। एलएसी पर दोनों देशों के बीच गतिरोध की स्थिति बन रही है। हालांकि दोनों ही पक्ष शांति से बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन सीमा पर चीन की चालाकी कुछ और ही बता रही है। लिहाजा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की तरफ से किसी ऐसे संकेत का जाना बहुत जरूरी था जिसमें चीन को ये समझ आए कि भारत क्या चाहता है, क्योंकि जब अंजाम भुगतने की बारी आएगी तो चीन के लिए मुसीबत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।